आज मैं आपको एक ऐसे खाद के बारे में बताऊंगा जिसको आप ठोस रूप में या तरल रूप में दोनों ही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी खासियत यह है कि ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है, आपका नियर टू ऑर्गेनिक में स्वागत है। यहाँ पर आपको अपनी घर की छत पर गार्डनिंग करने संबंधित कई गार्डनिंग टिप्स, गार्डनिंग आइडियाज, कम जगह में सब्जी लगाने के टिप्स और आपके किचन गार्डन में अच्छी सब्जियां लेने की जानकारियां मिलेंगी। नीम खली या नीम केक एक ऐसा खाद है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ट्रेस मिनरल, मैक्रो और माइक्रो मिनरल उचित मात्रा में रहते हैं। इसको आप बारीक कर लीजिए और इसमें पानी डाल दीजिए। अब पानी डालने के बाद इसको आपको 2 दिन और 2 रात रखना है, और सुबह शाम इसको हमें किसी लकड़ी या डंडे से मिक्स करना है ताकि उसमें मौजूद पोषक तत्व पानी में अच्छी तरह से घुल जाएं, और जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तभी आसानी को से पौधों को मिलेगा। अब जैसे मैंने जो उसको घोल के रखा था 2 दिन और 2 रात, उसको मैंने एक कंटेनर या बाल्टी में ले लिया है, जैसे आप आपको क्लोजअप दिखा रहा हूँ। अब हम इसमें करीब 10 लीटर पानी मिलाएंगे, और हमने 1 लीटर इसमें कॉन्सेंट्रेट जो हमने 2 दिन और 2 रात के लिए भिगो कर रखा था उसको मिलाया है। और अब मैं बताऊंगा कि आप इस नीम खली की लिक्विड खाद को किस तरह से अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आप कोई एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसमें जो डाइल्यूट करा हुआ नीम खली वाली खाद थी उसे भरकर आप सीधे पौधों के पत्तों में स्प्रे कर सकते हैं। ये एक तरह का फॉलर फर्टिलाइजर है, या इसको आप हिंदी में पानी उर्वरक भी बोलते हैं। इसको डालने से पौधे पत्तों के द्वारा पोषक तत्व ले लेते हैं, और उससे जो भी पौधों का भोजन है वो बनाते हैं, और ये पौधों के लिए अच्छा होता है। दूसरा तरीका है, आप जो लिक्विड हमने बनाया था उसको सीधे पौधों की जड़ों में, जो भी कंटेनर है उसमें डाल दीजिए, तो जड़ें उस कंटेनर से पोषक तत्व ले लेंगी और आपको अच्छे फूल और फल आएंगे। और इसी तरीके में हम सीधे जो नीम खली का चूरा है उसको गमले के आसपास डाल देंगे। ऐसी ही कई मजेदार गार्डनिंग टिप्स, गार्डनिंग आइडियाज और कम जगह में सब्जी लगाने की जानकारी और अपने किचन गार्डन में अच्छी सब्जी लेने से संबंधित टिप्स जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइब करने से हर महीने आपके पास 2 से 3 नई वीडियो सीधे पहुंच जाएंगे, और साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप बेझिझक होके अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई परिचित गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखता हो तो उससे ये खाद बनाने वाला वीडियो शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नियर टू ऑर्गेनिक में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।